हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे दो स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन कैसे करते हैं घर पे आसान तरीके से। ये हमने दो स्विच और एक सॉकेट लगा ली है, तो इसका हम आइए वायरिंग स्टार्ट करते हैं। स्विच बोर्ड हमने मार्केट से ख़रीदा था, घर में आप आसान तरीके से बना सकते हैं, सस्ते में बहुत ही आसान तरीके का वायरिंग है। आइए मैं आपको बताता हूँ, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्विच है हमारा, ये मैंने एक तार ले लिया है जम्पर के लिए। यहाँ से यहाँ लूप डाल देंगे, ये हमारा सॉकेट के लिए स्विच है, सॉकेट के लिए स्विच है, और ये स्विच हम किसी चीज़ के लिए भी, लाइट या फैन किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इसमें लगा देते हैं, तो लूप हमारा रेडी हो जाएगा। तो हमने यहाँ से यहाँ फेस दे दिया है, और इसमें हम मेन देंगे जो हमारा मेन बोर्ड से या फिर या किसी भी बोर्ड से आप सप्लाई देंगे। यहाँ से आउटगोइंग जाएगा, ये आउटगोइंग हमारा सॉकेट में जाएगा। यहाँ से हमारा लाइन है, राइट साइड में लाइन दे हमें, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। हमेशा फेज हमारा राइट साइड में होना चाहिए और न्यूट्रल हमारा लेफ्ट साइड में। हॉट वायर जो गर्म तार है दायां साइड में, और ठंडा तार है बायां साइड में। दायां साइड ये है हमारा, यहाँ देखिए एल लिखा हुआ है लाइन, इसमें लाइन कनेक्शन करते हैं। चलिए आइए, ये हमारा लाइन में हम लगा देंगे इसको राइट साइड में। ये हमने सॉकेट में आउटगोइंग कनेक्शन कर दिया है, ये देखिए बड़ा इजी कनेक्शन है। यहाँ से फेज इसमें दिया और ये आउटपुट इसमें फेज आ गया। ऑन करेंगे तो यहाँ से आउटपुट निकल के ये हमारा सॉकेट में आ जाएगा। यहाँ न्यूट्रल बाकी है, अर्थ बाकी है, और यहाँ पे मेन लाइन जो आएगा वो देंगे हम। चलिए आइए, तो हमने इसका कनेक्शन कर लिया बोर्ड का। अब आइए इसमें इनपुट लाइन देते हैं हम। तो इसके लिए हमने एक प्लग लगा लिया है, क्योंकि सिर्फ दिखाने के लिए हमने प्लग लगा लिया। अगर आपको डायरेक्ट बोर्ड में लगाना चाहे तो ये प्लग खोल के डायरेक्ट बोर्ड में बोर्ड से ले लें आप। तो ये मैंने प्लग लगाया, आसानी से हम एक्सटेंशन बोर्ड में लगा के आपको दिखा सकते हैं कैसे काम करते हैं। एक तार है, फेज और न्यूट्रल हम लगा लेते हैं। इसमें हमने फेज को लगा दिया है, ये हमारा इनपुट आ गया बोर्ड का, स्विच बोर्ड का इनपुट हो गया। ये एक न्यूट्रल तार है, ये हम सॉकेट में लगाएंगे। ये न्यूट्रल को हमने इसमें न्यूट्रल में सॉकेट के न्यूट्रल में लगा दिया है, बाकी स्विच में न्यूट्रल को ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें मेन लाइन आ गया हमारा, मेन लाइन आएगा और यहाँ से फेज़ निकल के तीनों में आ जाएगा। और ये हमने फेज़ और न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। अब इसमें अभी आउटगोइंग में हम एक ट्यूबलाइट जलाकर दिखाएंगे। ये हमने एक एलईडी ट्यूबलाइट ले लिया है,
ये फेज है और ये न्यूट्रल है, तो यहाँ से हम न्यूट्रल दे देंगे इसको, और यहाँ से ये आउटगोइंग स्विच से हम फेज दे देंगे, तो यहाँ से जब ऑन ऑफ करेंगे तो ट्यूबलाइट जलेगा हमारा। चलिए आइए कनेक्शन करते हैं इसका। ये हमने एक ट्यूबलाइट ले लिया है, ये हमने इस स्विच से एक फेज निकाल लिया, फेज को हम ये ट्यूबलाइट में लगा लेंगे, और ये न्यूट्रल है, हमने एक न्यूट्रल निकाल लिया है सॉकेट में, जो न्यूट्रल दिया था हमने, यहाँ से एक न्यूट्रल हम लगा लेंगे इसमें। चलिए आइए तो टाइट कर देते हैं इसे। याद रखें नेकेड वायर को हमेशा इंसुलेटेड टेप से, पीवीसी टेप से इंसुलेट कर दें। चलिए आइए अब हम इसको कवर लगा लेते हैं। ये हमारा कनेक्शन रेडी हो गया, हमने इसे टाइट कर लिया बोर्ड को, तो हम इसमें सप्लाई देंगे। ये हमने प्लग लगा लिया, एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू हम सप्लाई देंगे, एक्सटेंशन बोर्ड है हमारा, यहाँ से सप्लाई इसमें देंगे क्योंकि अभी हम इसे परमानेंटली फिक्स नहीं कर रहे हैं, परमानेंटली फिक्स करेंगे तो डायरेक्ट मेन बोर्ड से दे देंगे। चलिए आइए हम चेक करते हैं इसे। जी हमारा कनेक्शन रेडी हो गया, हमने यहाँ सप्लाई दे दिया है, ये चेक कर लेते सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए सप्लाई आ रहा है हमारा, तब ट्यूबलाइट हम ऑन करके देखते हैं। ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया कनेक्शन। इसी तरह आप आसानी से अपने घर में बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू, कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो हमारी कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।